हर वो फाइल क्लियर होगी जो पहले नंबर पर आई, और उसके बाद रैंडम इंस्पेक्शन पे मेरा जैसा कोई आदमी आता है, देखता है कि आपने 55 नंबर की फाइल क्लियर कर दी और 45 नंबर की बची हुई है। फिर मैंने छोड़ा। जब तक जनता में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमें कहीं साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, तब तक तो फिर जनता आएगी नहीं। बताइए क्या कर रहे हो? वर्कर्स आए थे सर, इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा जी सर, बताओ जरा कितने कोई रिकॉर्ड है जो आपने यहाँ पे अप्लाई करवाए हों? आज सर ये 13 तारीख को किया। अच्छा, आज तो अभी कोई आया ही नहीं अब तक। प्रोसेस समझाइए मुझे कि उसने बोला कि मेरी बेटी की शादी है या मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है और उसको असिस्टेंस की जरूरत है। जैसे इन दिस केस इसने फॉर्म भरा, कॉलेज से वेरीफाई करा के एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है, वो लगा दिया। यहाँ क्या होता है उसके बाद? हु रिसीव्स दिस फाइल? सर जैसे एजुकेशन या मैम डील करते हैं, तो एजुकेशन के पास आ गई। हाँ, आप क्या करते हो उसपे? सर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं उसके, कंप्लीट हैं या नहीं। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होते तो वर्कर को हम बुला लेते हैं सर। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? सर जैसे कॉलेज से उसको अटेस्ट कराना होता है, एक पार्ट है उसमें। तो मान लो उसने अटेस्ट करा रखा है कि नहीं करा रखा, ये देखना होता है। सर एक गेजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट होता है अपार्ट फ्रॉम कॉलेज। मैनेजर को पुट अप करते हैं, फिर डीएस सर करते हैं, वहाँ से अप्रूव होके सर वो फाइल हेडक्वार्टर जाती है। अच्छा सर, फिर वहाँ पे चेक होती है प्रॉपर। सो यही पेज है क्योंकि व्हाई शुड इट गो टू हेडक्वार्टर? सर जस्ट वन थिंग टू ऐड, सेम डॉक्यूमेंट्स पहले मैनेजर चेक करते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, यहाँ पे दो लेवल है ना, टू लेवल चेक तो ठीक है, देन अकाउंट्स ऑफिसर इन हेडक्वार्टर, देन आर बोर्ड सेक्रेटरी इन हेडक्वार्टर, देन द अप्रूवल हैपेंस। सो इसको पावर को डेलीगेट कर दो डीएस को। रुचिका जी, आप समझ रहे हो ना मैं किस पीड़ा से बोल रहा हूँ? ये सारी फाइलें उन लोगों की हैं जो बहुत नीड के वर्ज एज पे बैठे हुए हैं, और इनमें से कब कौन डिप्रेशन में आ जाएगा, कब कौन सुसाइड कर लेगा, हमको नहीं पता। तो एक एक फाइल पे एक एक दिन का डिले एक व्यक्ति को एक दिन के सुसाइड के करीब ले जा रहा है। कल कौन लड़की इस बात पे सुसाइड कर लेगी कि उसके स्कूल की कॉलेज की फीस नहीं दी गई? कोशिश करिए कि 24 घंटे में आप क्लेम की फाइलें यहाँ से प्रोसेस करके डीएस में पहुँचा दें। 24 घंटे में डीएस साहब की जिम्मेदारी हो, 48 घंटे में इस दफ्तर में एप्लीकेशन होने के बाद में क्लेम निकल जाना चाहिए।